नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। सॉरी, मैं पूरी अपने टीम के साथ लाइव आया था, फिर से आना पड़ा मुझे। मैं चाहता था कि मैं अपने दिल की बात कुछ अकेले आप सबसे शेयर करूं। एक छोटा सा कोई घटना हो जाता है तो हर आदमी जाति प्रथा की बात करके चुनावी मुद्दे दे देता है उसको, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि कभी कभी हम नेता के लिए बिहार बंद कर देते हैं, कभी कभी आप लोगों ने मेरे लिए एक बार बिहार बंद किया था, और मुझे खुशी है कि आप मुझे इतनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या हम उन देश के जवानों के लिए एक दिन के लिए मन व्रत नहीं रख सकते क्या? क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है? वो जगते हैं तो हम सोते हैं, वो जगते हैं तो हम सोते हैं, तो क्या आज उनको दुश्मनों ने हमेशा के लिए सुला दिया? हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे देश के लिए हमेशा वो जिंदा रहेंगे। तो दुश्मनों ने आज उनको सुला दिया, तो क्या हम उनके लिए नहीं जग सकते? क्योंकि जब वो जगते हैं तो हम सोते हैं, तो क्या हम एक दिन उनके लिए नहीं जग सकते? मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे भारतवासी जो भी मुझे पसंद करते हैं, जो भी मुझे जानते हैं और लव करते हैं, अपने बेटा अपने भाई खेसारी को, तो हर चीज़ बुला के एक दिन के लिए अपने सैनिकों के लिए जग तो जाओ मेरे भाई। मैं चाहता हूं कि हर आदमी, एक छोटा सा कलाकार खेसारी के लिए आपने इतना तकलीफ आपको हुआ कि आपने, आप सब ने बिहार बंद कर दिया, तो क्या उन सैनिकों के लिए क्या हम एक दिन नहीं जग सकते? मैं बंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर आदमी एक दिन हर काम छोड़ के उन सैनिकों के लिए कुछ तो सोचे। हम लोग नहीं सोचेंगे क्योंकि कोई नेता अभिनेता उनके लिए नहीं आता है। सब लोग छोटी छोटी पोस्ट बना के डालेंगे, मैं जानता हूँ हर आदमी डालेगा, लेकिन जब देश की बात आती है ना, तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, मैं आगे क्यों आऊँ, मैं आगे क्यों आऊँ, लेकिन आना चाहिए। आज वो सैनिकों को दुश्मनों ने सुला दिया, और वो जगते हैं तो हम सोते हैं, तो क्या उनके लिए, उनके आत्मा के शांति के लिए हम सब एक दिन नहीं जग सकते? प्लीज़ भाइयों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने जितने भी मेरे मित्र दोस्त हैं, इस वीडियो को पूरा खूब शेयर करिए। ये मेरा पेज है, इसको लाइक करिए, इसको खूब शेयर करिए, ताकि हर हिंदुस्तानी के पास ये चीज़ें पहुँचें, हर उस नागरिक के पास पहुँचें। मैं चाहता हूँ कि एक दिन के लिए जग जाओ अपने उस हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए, उस हिंदुस्तान की शान के लिए, उन जवान के लिए जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ दिया है और दे रहे हैं। अगर हम जगेंगे तो शायद ऐसी घटना, और हमारे नेता इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे, हमारा देश इसके बारे में ज़रूर सोचेगा। तो हम सब पब्लिक ही जब इसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर हमारा ही कोई भाई फौजी है ना, हमारा ही कोई भाई रक्षक है। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जग जाइए, और एक दिन अपने उन जवानों के लिए, उन देश के रक्षकों के लिए, उस माँ के बेटा के लिए जिन्होंने अपने माँ के रक्षा और अपने भाइयों के रक्षा करते हुए शहीद हो गए, मैं प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दिन तो इस पूरे देश को जगना ही चाहिए, क्योंकि वो इतने दिन जग के और जगते हैं और जग के और हमारी रक्षा करते हैं और हमें चैन के नींद सुलाते हैं कि नहीं आप सो, हम जग रहे हैं। तो क्या हमारा कर्तव्य और हमारा फ़र्ज और हमारा धर्म नहीं बनता, जब हम अपने फौजी भाइयों के लिए, अपने उस देश के बेटा के लिए, उस माँ के बेटा के लिए हम एक दिन जगें? प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको जगना पड़ेगा, प्लीज़ जग जाइए, ताकि ऐसी घटना अगर हो तो इस देश के नेता लोगों को समझ में आए कि ऐसा घटना दोबारा नहीं हो। हमें नहीं तो इस देश में बहुत कुछ हो सकता है। हमारी देश की जनता अपने देश के लिए जान दे सकती है, अपने जवानों के लिए जान दे सकती है। प्लीज़ मैं पूरे भारतवासियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक दिन तो प्लीज़ जग जाइए। उन्होंने इतने दिन जग के हमारी रक्षा की थी, तो उनके लिए एक दिन जगने की बात है। प्लीज़ आप सब जगिए, और जय हिंद, जय भारत।